EduPublic YouTube channel. Here's a CPPA yani Central Power Purchasing Agency Market Operator ki taraf se teen naye ishtiharat shaya kiye gaye hain jinki mukammal tafseel aur apply karne ka tarika kar aapke sath share kar rahe hain. Here's a CPPA ki janib se jo pehla advertisement hai usme jo hai yahan pe Chief Technical Officers ki post announce ki gayi hai jisme jo hai complete yahan pe qualification experience aur जो है एज लिमिट क्राइटेरिया जो है कंप्लीट दिया गया है. इसके बाद जो है डिप्टी जनरल मैनेजर टेक्नीशियन की पोस्ट जो है अनाउंस की गई है. नेक्स्ट जो है मैनेजर टेक्निकल की जो है पोस्ट है जिसके लिए बैचलर डिग्री वाले जो है अप्लाई कर सकते हैं. इसके बाद जो है डिप्टी मैनेजर टेक्निकल की पोस्ट है जिसमें बैचलर और मास्टर डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं. इसके बाद जो है यहाँ पर आप इनके जो तमाम जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी यहाँ पर दी गई हैं. अप्लाई जो है किस तरह से करना है इसका जो है कम्प्लीट तरीकाकार आपके साथ शेयर करेंगे. इसके बाद जो है हमारे पास जो सेकंड जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें जो असिस्टेंट मैनेजर स्पेशलिस्ट क्रेडिट कवर एडमिनिस्ट्रेशन की जो है पोस्ट अनाउंस की गई है जिसमें सीए वाले अप्लाई कर सकते हैं. इसके बाद जो है सीएमए सीआईएमए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं. इसमें जो आगे इनका जो कम्प्लीट क्राइटेरिया आप देख सकते हैं. असिस्टेंट मैनेजर स्पेशलिस्ट की जो है पोस्ट है यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल की पोस्ट अनाउंस की गई है. असिस्टेंट मैनेजर सिस्टम एनालिस्ट की है. इसके बाद जो है असिस्टेंट मैनेजर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट जो है अनाउंस की गई है. छठी कैटेगरी जो है यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर आईटी जो है एसक्यूए इंजीनियर की पोस्ट अनाउंस की गई है जिसमें बैचलर्स वाले और मास्टर डिग्री वाले जो है अप्लाई कर सकते हैं. इसके बाद असिस्टेंट मैनेजर पावर इंजीनियर की जो है पोस्ट अनाउंस की गई है. असिस्टेंट मैनेजर आईटी की है. असिस्टेंट मैनेजर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की पोस्ट अनाउंस की गई है. असिस्टेंट मैनेजर आईटी सीनियर ग्राफिक्स डिज़ाइनर्स की पोस्ट अनाउंस की गई है. इसके बाद जो है मैनेजर ट्रेनिंग ऑफिसर और जो है ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिस एसोसिएट कम्युनिकेशन की पोस्ट अनाउंस की गई है. यूज़र इन तमाम पोस्ट के लिए जो है अप्लाई करने का तरीकाकार भी आपके साथ शेयर करेंगे. ये बहुत ही शानदार जॉब्स हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस की गई हैं. यूज़र नेक्स्ट जो हमारे पास जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें मैनेजर कम्युनिकेशन की पोस्ट अनाउंस की गई है. इसके बाद जो डिप्टी मैनेजर की पोस्ट है डिप्टी मैनेजर सीनियर स्पेशलिस्ट की है. इसके बाद डिप्टी मैनेजर प्रिंसिपल डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट है जिसमें बैचलर्स वाले जो है अप्लाई कर सकते हैं. फिर अब इसमें जो है आपने अप्लाई किस तरह से करना है यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे पीटीएस की साइट बताई गई है कि पीटीएस की साइट पे जो है आप इसको जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने जो है पीटीएस की वेबसाइट ओपन करनी है. पीटीएस की वेबसाइट पे जो है आपको यहाँ पे जो है नीचे यहाँ पे प्रोजेक्ट जो है टॉप न्यू अपडेट्स जो है यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट्स जो नज़र आ रहा है यहाँ पे आप जो है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे. लाइक यहाँ पे सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी का यहाँ पे एक जो है 434 और 433 का ये भी है यहाँ पे जो है ये एडवर्टाइजमेंट दी गई है. इनके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है इस तरह से जो है एडवर्टाइजमेंट और अप्लाई का ऑप्शन शो होगा. यहाँ पे जो है अगर आप एडवर्टाइजमेंट देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जो है ओपन करके देख सकते हैं. इसके अलावा जो अगर आप अप्लाई पे करेंगे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई नाउ के बटन पे प्रेस करेंगे तो आपके पास जो है नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा. यहाँ पे जो है आपने सबसे पहले जो है साइन इन होना है. अगर आप जो है ऑलरेडी यहाँ पर साइन इन है तो आप जो है CNIC और पासवर्ड देंगे. अदरवाइज़ जो है आप लॉग इन करेंगे तो आपको जो है पहले एड्रेस बनाना पड़ेगा फिर जो है आप उसको आप जो है CNIC और पासवर्ड देंगे तो आपके पास जो है लॉग इन हो जाएगा. लॉगिन के बाद जो है आपके पास जो है नेक्स्ट फॉर्मेट ओपन होगा जिसको आपने फिल करना है. फिल करने के बाद जो है आपने ऑनलाइन जो है सबमिट करवाना है. फिर जो यहाँ पे क्योंकि मैंने अप्लाई नहीं करना इसलिए जो है यहाँ पे लॉगिन नहीं कर रही. आप जो है लॉगिन करेंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन ओपन हो जाएंगे. फिर अगर आप मजीद जॉब्स की इन्फॉर्मेशन और जो है डिटेल्स हासिल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन